हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टरी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं अपूर्व एंड दिस इज पावर शेल्स ट्यूटोरियल नंबर 15। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एको और गेट कंटेंट को यूज़ किया था एक टेक्स्ट फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, जिससे आप जो आपके पावर शेल के कमांड्स हैं उसका जो आउटपुट आता है उसे टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक ईजी सी कमांड जो यूजुअली यूज करते हैं वो है गेट प्रोसेस। देन अ न्यूएस्ट वन और इसको हम कर देंगे एक टेक्स्ट फाइल में आउट फाइल। देन आउट फाइल के लिए हमें एक फाइल पाथ लिखना पड़ेगा, फाइल पाथ। तो इसी फोल्डर में सेव करने के लिए हमें कोई पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर 2.txt लिखेंगे क्योंकि वन ऑलरेडी बना चुके हैं। देन वी विल हिट एंटर। ओके सॉरी, ये जो न्यूएस्ट होता है वो गेट इवेंट लॉक्स के लिए होता है। गेट प्रोसेस नोटपैड, ठीक है। सो ये हमने एंटर किया और हम चेक कर लेते हैं कि ये सही तरीके से सो इट रैन। अब मैं गेट कंटेंट यूज करके तो ये हमारे टू डॉट टी एक्स टी का कंटेंट है। अब हम इसी आउट फाइल को एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। तो हम गेट हेल्प यूज करेंगे, गेट हेल्प आउट फाइल। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं फाइल पाथ इज अ स्ट्रिंग। देन आप एनकोडिंग एंटर कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी एनकोडिंग चाहिए। यूनिकोड, यू कैन सेलेक्ट ASCII और अलग अलग एनकोडिंग हैं। देन अपेंड, देन फोर्स मोड इन केस अगर कोई फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है उसी नेम की तो फोर्स मोड उसे ओवरराइट कर देगा। नो क्लॉबर, नो क्लॉबर इज अ पैरामीटर जिससे फाइल को रीराइट नहीं कर सकते हैं आप, यू कैन ओनली रीड दैट। विड्थ ऑफ द फाइल, देन नो न्यू लाइन। वॉट इफ इज अ पैरामीटर जो हमने यूज किया था, वॉट इफ हमें बताता है कि हम जो कमांड को रन करने वाले हैं उसको रन करने पे क्या होगा विदाउट इवन रनिंग इट। सो मैं अपनी पुरानी जो करी थी उसके अंदर हम विड स्पेसिफाई करते हैं, विड मैं डालूंगा 1000, देन एंटर। अब हम इसमें गेट कंटेंट लिखेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे इसकी जो विड है वो चेंज हो गई है, 1000 हो गई है। सो गाइस ये था आउट फाइल कमांड। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको XML एंड CSV के बारे में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।